बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन लिया था एक्सेल का, और ये हमारी सेकंड वीडियो है एमएस वर्ड की। आज हम इसके ऊपर एक छोटा सा डेमो लेंगे, और उसके बाद फिर हर टैब को इसके डिफरेंटली एक्सप्लोर करेंगे और इस पे वर्किंग करेंगे। अच्छा, एक्सेल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वर्ड इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और मज़े की बात यह है कि हमें एमएस वर्ड अगर अच्छे तरीके से आ जाता है तो एमएस पावर पॉइंट 90%, 80 to 90% हम टैकल कर जाते हैं। कुछ चीज़ें इसकी एक्सेल से मिलती हैं, कुछ चीज़ें इसकी पावर पॉइंट से मिलती हैं। तो एमएस वर्ड में दोनों की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। क्वालिटीज़ नहीं, मतलब क्वालिटीज़ इन अ सेंस कि अगर आपको एमएस पावर पॉइंट और एक्सेल आते हैं तो वर्ड जो है उसको समझना इतना मुश्किल नहीं होता। वर्ड की खासियत क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, थीसिस, बुक्स और जितनी भी लिटरेचर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी एमएस वर्ड के ऊपर बनाई जाती हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं होम बटन से। अंडू हमने एक्सेल में पढ़ा, ये आपको काफ़ी सारी इसकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही होंगी जो एक्सेल से रिलेटेड है। पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर, फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल स्ट्राइक, अच्छा, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र नहीं आई थी एक्सेल के अंदर। अच्छा, इसका क्या है? जब आप किसी डॉक्यूमेंट को एग्ज़ाम वगैरह, पेपर वगैरह बना रहे होते हैं तो आप स्केयर और ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने लिखा H2O, ठीक है, तो ये जो हमारा टू होगा इसको हम सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे तो ये H2O बन गया, ठीक है। और अगर हम A2 करना चाहें तो हम इसको अगर सिलेक्ट कर लेंगे टू को और इसको सब्सक्रिप्ट कर दें तो ये नीचे वाली साइड पे आ जाएगा, सब्सक्रिप्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारी नई थी। आगे फर्दर ये अपर केस, लोअर केस, ठीक है, इसको हम शिफ्ट F3 के साथ भी कर सकते हैं, मतलब शिफ्ट F3, आप इसका शॉर्ट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम यहाँ से कह रहे हैं, ठीक है। आगे फर्दर है, हमने टेक्स्ट को कलर देना है किसी भी तरह का, वो यहाँ से दिया जा सकता है। फॉन्ट को कलर देना है, टेक्स्ट को कलर देना, वो यहाँ से हो जाएगा। ये चीज़ें भी हमने वहाँ पे देखी थी एमएस एक्सेल में, और यही चीज़ें हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। अच्छा, फर्दर ये अलाइनमेंट है टेक्स्ट की, बुलेट्स हैं, ये इनको बाद में एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे। नंबरिंग किस तरह दी जाती है, अलाइनमेंट्स कैसे की जाती हैं इसकी, यहाँ पे उसकी डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स हैं लिखने के। आप बुक लिखना चाह रहे हैं या कोई लंबा डॉक्यूमेंट लिखना चाह रहे हैं, छोटा डॉक्यूमेंट लिखना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट आप बनाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप उसको डिज़ाइन दे सकते हैं। आगे फाइंड है, रिप्लेस है, डिक्टेट है, कि आप उसको किस तरह से जो है वो अपनी उसको सर्चिंग कर सकते हैं। और मेरा माइक अभी ऑन है तो इस वजह से वो उसको डिक्टेट की तरफ नहीं आ रहा, आप उसको बोलेंगे तो वो आपको करेक्शन कर देगा। ये एडिटर है, आगे डिज़ाइन है कि आप किस तरह का डिज़ाइन चाह रहे हैं। आगे इंसर्ट है, इंसर्ट में पेज ब्रेक है, ये हमने एक्सेल में भी देखा था, टेबल भी देखा था, पिक्चर भी देखा था, ड्राइंग भी देखा था। ऐड इन, नया सॉफ्टवेयर ऐड करने के लिए, नई चीज़ें उसमें ऐड करने के लिए होती हैं, इसका हमारे साथ अभी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम अपडेशन की तरफ नहीं गए हैं। लिंक कोई लगाना चाहते हैं, हाइपर लिंक वगैरह, वो लिंक यहाँ पे लग सकता है। ऑनलाइन वीडियो का लिंक देना चाह रहे हैं, वो लग सकता है। न्यू कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, ये हेडर एंड फुटर होते हैं जो आप किसी भी एक पेज पे लगाएंगे तो वो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके लग जाएगा। पेज नंबर लगाना चाह रहे हैं, इक्वेशन है,
किसी भी तरह की यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशंस होंगी आपके पास, आप यहाँ से क्लिक करके तो वो इक्वेशन दे सकते हैं। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट के लिए, पेजेस वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स ही आपको बता रहा है कि कौन कौन से साइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थीटा वगैरह, यूनियन है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, इमोजीज हैं, आप इमोजीज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये इमोजीज आप एक्सेल में भी ऐड कर सकते हो, कैसे करेंगे वो हम लेटर ऑन वीडियोस में देखेंगे इंशाल्लाह। आगे लेआउट है, मार्जिन्स हैं, ओरिएंटेशन है, साइज क्या होना चाहिए, इंडेंट है, स्पेसिंग है। स्पेसिंग होती है ऊपर से नीचे, किसी भी ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन के दरमियान का ये डिफरेंस है, दैट इज स्पेसिंग। और लेफ्ट से राइट की तरफ जो डिफरेंस आता है, डिस्टेंस आता है आपके करेक्टर्स के अंदर, दैट इज इंडेंट। ठीक है, फर्दर हम आते हैं रेफरेंसेस के ऊपर, टेबल ऑफ कंटेंट। जब आप किसी एक बड़े डॉक्यूमेंट को बना रहे होते हैं, मतलब एक पूरा थीसिस लिख रहे होते हैं, तो उसमें आपका टेबल ऑफ कंटेंट इस्तेमाल होता है। मतलब आपने देखा होगा जिसको उर्दू के अंदर किताबचा कहा जाता है, बेसिकली उर्दू में किताबचा कहा जाता है। और पूरी बुक की एक समरी होती है जो फर्स्ट से सेकंड पेज के ऊपर बनी होती है, जिसके अंदर पूरा एक सिनॉप्सिस होता है कि इस पेज नंबर के ऊपर ये, इस पेज नंबर के ऊपर ये, इस पेज नंबर के ऊपर ये। हमारी बुक्स में भी होता है ये। तो ये जो शॉर्ट एक समरी होती है, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट। आगे फुट नोट है, ये भी फुटर का ही काम करता है तकरीबन। आगे रिव्यू है कि हम उसको एडिटर, वर्ड काउंट, कितने वर्ड काउंट है, मतलब हमें कई दफ़ा कहा जाता है कि 100 वर्ड्स का होना चाहिए, 150 वर्ड्स का होना चाहिए, तो दैट इज वर्ड काउंट। चेक एक्सेसिबिलिटी, किस किस पर्सन को कितनी कितनी एक्सेसिबिलिटी है और क्या क्या इसमें एरर्स हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आएंगे। ट्रांसलेट आप इसमें कर सकते हैं, जो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होंगे वो यहाँ से हो जाएंगे, टैली काउंटर कर लेंगे हम उसको। न्यू कमेंट है, डिलीट करना चाह रहे हैं कोई चीज़, कमेंट्स देखना चाह रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, ठीक है, जो उसकी चेंजेस होंगी आप वो यहाँ से दे सकते हैं। रिज्यूम, असिस्टेंट, ठीक है, ये लिंक्डइन के साथ जो है वो ऐड हो रहा है। अब ऑनलाइन इस वक्त नहीं चल रहा है क्योंकि मैं बाकी काम कर रहा हूँ। फर्दर व्यू है, रीडिंग व्यू आप देखना चाह रहे हैं, इमर्सिव रीडर, जूम, किस लेवल के ऊपर डॉक्यूमेंट देखना चाह रहे हैं, कितना आप उसको क्लोज करना चाह रहे हैं, कितना जो है वो उसको जूम आउट करना चाह रहे हैं। फर्दर आगे आपका रूलर है, ये एडजस्टमेंट के लिए होता है टेक्स्ट की, कि आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ से शुरू हो और कहाँ पे जो है वो आप उसको एडजस्ट करें। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, थीसिस वगैरह जो भी लॉन्ग डॉक्यूमेंट। नेविगेशन है, हेडर फुटर है, हेडर फुटर हमने पहले भी देखा था, डार्क बोर्ड है, स्विच बैकग्राउंड है। तो ये इसके कुछ न्यू फीचर्स भी हैं जो विंडोज़ 11 के अंदर आए हैं। तो हमने ओवरऑल जो है वो सारों को देखकर और साथ लेकर चलना है, जितने भी हमारे वर्जन हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्जन होंगे जिनमें अपडेशन नहीं होगी, कुछ ऐसे वर्जन होंगे जिनमें अपडेशन होगी। अगर हमारे पास MS जो है वो 16 है और हम उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एड इंस करते हैं उसके अंदर और उन फंक्शंस को जो है वो वर्किंग में लेकर आते हैं। हमारे पहले वो आया था एड इंस, जो मैंने कहा था कि इसका भी हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली एड्स हमारे वो होते हैं जो हम सेपरेटली ऐड करते हैं, तो उस वर्जन के अंदर वो चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो हम एड इन करते हैं और उस एड इन के ज़रिए हम उन फंक्शंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर और उनको हम वर्किंग में लेकर आते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारा जनरल ओवरव्यू था MS वर्ड का। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और इसको फर्दर जो है वो आगे मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। मैं फर्दर आपसे जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आगे शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जो है वो जितना फैलता जाए उतना बेहतर है। इसके अंदर मेरी अपनी भी काफ़ी मेहनत है उसको, चीज़ों को सीखने में, और मैं चाह रहा हूँ कि जो मेहनत मैंने, जहाँ तक मैंने मेहनत कर ली है, बाकी सब जो है वो
उससे आगे से स्टार्ट लें, वहाँ तक पहुँचने में मेहनत ना करें। तो जहाँ तक मैंने सीखा हुआ वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर सिखाऊंगा, और आई विश कि जहाँ तक मैं सीख चुका हूँ आप उससे आगे इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो वीडियोज़ को हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा और कुछ मज़ीद नई चीज़ों के साथ और एक्सप्लोरेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।